हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके बीच हम बिहार प्रैक्टिस सेट का रामबाण सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, चलिए बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये रामबाण सीरीज आपको परीक्षा के लास्ट समय में बहुत ही काम आता है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम दोस्तों आपका महावीर स्वामी था, 24वें तीर्थकर। इसका दोस्तों वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, और इसी तरह के हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट बना के रखे हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग वहां से आप प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। दोस्तों, और लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। दोस्तों, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों, आपका विजयदत्त हो जाएगा अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर आपका नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों, आपका फारसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलन करने वाला है, हम लोग मिलन करते हैं। तो देखिए, सूर्य मंदिर जो हो जाएगा आपका कोणार्क उड़ीसा में है। एका क्या हो गया? दो हो गया। लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा में है। बी का चार हो जाएगा। हवा महल कहाँ है? हवा महल आपका जयपुर में है। सी का तीन हो जाएगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो डी का एक हो जाएगा, ए का दो, बी का चार, सी का तीन, डी का एक, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाने बनवाए? चित्रकार के लिए कारखाना कौन बनवाए थे? दोस्तों, अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा? शाह शुजा से प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योति फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योति फुले द्वारा जो है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग जीके का पहले प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन क्या था? दोस्तों, नमक आंदोलन था प्रथम जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के लिए एक अलग संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो ये विचार आपका कैबिनेट मिशन का था, भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो ये आपका पटना में रखा गया था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, यानी कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसका नापने के लिए होता है? तो भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कहाँ है, तो आपका आटाकामा मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लीमा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात से जो है आपका सर्वाधिक चीन सागर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व किस क्षेत्र में बुशमैन संबंध है, बुशमैन जो है आपका हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में, बुशमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला एक उदाहरण है, कोयला किसका उदाहरण है दोस्तों, परतदार चट्टान का, ऑप्शन नंबर सी परतदार चट्टान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो भारत जो है दोस्तों आपका चार प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल भारत की किस नदी पर बनाया गया, तो चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर जो है दोस्तों आपका काली मिट्टी का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है, तो कौन सा धातु खनिज नहीं है, तो आपका जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों, संवैधानिक सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत एक गणतंत्र है इसका मतलब है भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए इसको गणतंत्र बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकार का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो कौन सा अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों, ये आपका 51 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट का तात्पर्य, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है राज्य विधान सभा द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो कब किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहले चावल में प्रयुक्त प्रचुरता सृजित की गई, तो सुनहले चावल में कौन सी विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इंडिया कार्यक्रम का कौन सा लोगो है, तो दोस्तों आपका शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लिया जाता है, तो मार्ग
कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्ग कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका बिक्री कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रास्थितिक दबाव की इकाई क्या है, प्रास्थितिक दबाव की इकाई जो है दोस्तों आपका बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत यह न्यूटन के गति नियम का है, न्यूटन के गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर आपका 60 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 45 डेसिबल से 60 डेसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, 45 डेसिबल से 60 डेसिबल, ठीक है, इसमें 45 डेसिबल नहीं दिया है इसलिए 60 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 229.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान क्या हो जाता है, mg बराबर 29 इतना हो गया, तो m गुना g का मान क्या होता है 9.8 बराबर 29.4, तो देखिए 29 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो m बराबर क्या हो गया, 3 kg हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर क्या है दोस्तों, ये आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, कौन रहती है अपरिवर्तित दोस्तों, आकृति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आकृति नहीं आवृत्ति होना चाहिए दोस्तों, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है आपका गाइगर काउंटर यानी कि GM काउंटर से मापी जाती है, गाइगर काउंटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 × ½H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी पानी की खोज की, भारी पानी की खोज किसने किया था दोस्तों, आपका HC उड़े ने किया था, HC उड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में दोस्तों आपका मैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूँ की खेती के लिए कौन उर्वरक का उपयोग करेंगे, गेहूँ की खेती के लिए दोस्तों आपका नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो लिखने वाली पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर था, तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक फाइबर क्या था दोस्तों, तो ये आपका रेयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना आपका सर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मटर पौधा है, तो
मटर पौधा जो है आपका दोस्तों एक प्रकार का शाक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो किसके साथ मिलाने पर, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दंत बल्ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो संतुलन कौन बनाए रखता है, तो फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो रक्त स्कंदन को रोकता है या स्कंदन ना होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो H ज़्यादा है दोस्तों इसको बर्ड फ्लू कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के लिए अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है, क्या है, एक प्रकार का ईस्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन जो है दोस्तों आपका अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफीम पोस्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत आपका 1992 ईस्वी में शुरू की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका लिखा गया था शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नबार्ड का अध्यक्ष दोस्तों आपका साजी केबी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में एक पारी में सर्वाधिक 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो दोस्तों सर्वाधिक 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड राशिद खान ने बनाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया दोस्तों, मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की थी, ये दोस्तों बिहार सरकार ने शुरू किया हर घर गंगा जल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया, तो स्कूल चलो अभियान जो उत्तर प्रदेश शुरू किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, दे टाउट हिज डैश टू बिहेव प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा हाउ, दे टाउट हिज हाउ टू बिहेव प्रो पार्टी, ठीक है। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्वान का विलोम आपका मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू हिज पोयम थिनर देन क्रिसेंट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका द स्टार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। माली मालिन में समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों, आपका द्वंद समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी डैश वी वुड गो, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैम, ठीक है, कैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का है, दाल का बहुवचन शब्द है, तो दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, दाल बहुवचन शब्द है, तो दाल का बहुवचन हो जाएगा आपका दालें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ है, मीराबाई का जन्म हुआ था, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपका राजस्थान में हुआ था, ठीक है। पौ बारह करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पौ बारह करना मुहावरे का सही अर्थ है सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सब मैथ का क्वेश्चन है और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग मैथ का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 40 रुपये के एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचा, यानी कि 40 रुपये में 10 खिलौने की दर से खरीदा तो खिलौनों का क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी हो गया दोस्तों आपका 4 रुपये। 48 रुपये में 8 के दर से बेचा तो खिलौने का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपये। तो लाभ कितना हुआ, 2 हुआ दोस्तों, कुल कितना पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ये कट जाएगा 50, 50%, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।